वेलकम टू एजुकेटर एकेडमी। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम किसी इंटीजर में हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं, किसी को कैसे हमने उनको पोस्ट इंक्रीमेंट से चेक कर सकते हैं और प्री इंक्रीमेंट से चेक कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज हमने कोई भी इंटीजर लिया, इंटीजर वैल्यू ली ए के नाम से, और उसमें हमने कोई भी वैल्यू स्टोर करवाई, 3 स्टोर करवाया, और हमने उसको प्री इंक्रीमेंट करके देखना है। तो इंटीजर लिया हमने सी में और उसको हमने इंक्रीमेंट किया, कैंड इंक्रीमेंट कर प्री इंक्रीमेंट किया ए को। तो अब हम इसको सी आउट करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। सी आउट करते हैं हम, हमने क्या किया, प्री इंक्रीमेंट किया। सो प्री इंक्रीमेंट हमारे पास हुआ और वैल्यू हमने सी आउट करवानी है सी की। तो लेट्स सी हमारे पास क्या आंसर आता है, हम देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो हमने 3 को इंक्रीमेंट किया, क्या किया, प्री इंक्रीमेंट किया। तो लेट्स सपोज इसकी वैल्यू हमारे पास 4 आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास पहले एडिशन हो रही है बाद में नंबर, दिस इज प्री इंक्रीमेंट, हमारे पास क्या शो हो रहा है, 4 शो हो रहा है। अब हम देखते हैं कि हम पोस्ट इंक्रीमेंट करके देखते हैं, तो इसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। और अब हम देखते हैं सी आउट करके देखते हैं हमने प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट करके देखते हैं वैल्यू को। लेट्स सी, तो हमने क्या किया, पोस्ट इंक्रीमेंट, सो हमने पोस्ट इंक्रीमेंट किया और इसकी वैल्यू को हम देखते हैं सी कोट करके। तो लेट्स सी, अब हमारे पास 3 ही आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पहले एडिशन नहीं हो रही। तो लेट्स सी, दिस इज हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट में हमारे पास 3 आ गए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।